मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर जदयू जिला अध्यक्ष सहित जिले के तमाम जदयू कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद के जरिए बात की और जिले की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि लगभग आधे घंटे तक चले इस संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की। बताया गया कि जिस तरह 15 वर्षों में राजद की सरकार में जो काम हुए उससे बिहार की जनता निराश थी, जब किसी ने कल्पना नहीं की थी एनडीए के 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार में किस तरह का बदलाव हुआ लोगों ने सोचा नहीं होगा। वहीं जेडीयू मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता कुंदन शांडिल्य ने कहा कि इस वर्चुअल संवाद से हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और वही उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है और बेहतर परिणाम आने की पूरी संभावना है। उसमें चुनाव का मुद्दा भी किया गया, क्या क्या मुद्दे थे, मुद्दे हैं? देखिए, आज जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और किया भी है काम, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, दूसरे की तरफ बयानबाजी नहीं करते। और आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर जनता दल यू के पंचायत, प्रखंड, बूथ स्तर और जिला पदाधिकारियों से जिस तरह उन्होंने सीधा संवाद किया है, उससे स्पष्ट हो गया है और हमारे जनता दल यू के जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक के पूरे उत्साहित हैं और पूरे चुनाव में भरपूर तरीके से उतरने को तैयार हैं। जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने सीधा निर्देश दिया है और कुछ टिप्स भी दिए हैं हम लोग को कि चुनाव में कैसे हम लोगों को पहुंचना है मैदान में, और बिहार सरकार में हुए जन कल्याण योजनाओं को जो जनता के बीच हम लोग को जाके बताना है, जो नए तरीके से अभी होता जा रहा है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री रंजीत सहनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि उन्होंने एक मुजफ्फरपुर में एक बहुत बेहतर संगठन को लेकर चल रहे हैं और आगे भी काम करते चलेंगे। दूसरा कि हमारे मुजफ्फरपुर में हर वर्ष 3 जून को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी का राजकीय समारोह के रूप में हर वर्ष मनाया जाएगा, इसकी भी बात बोली। और तुरंत ही आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर को एक सौगात मिला है बड़े अस्पतालों के लिए, पीकू अस्पताल के बारे में। और दूसरा कि चमकी बुखार से पीड़ित जो बच्चे थे उनका अत्याधुनिक इलाज के तरीके से 100 बेडों का एक अस्पताल बन के तैयार हो गया है। और उन्होंने मीनापुर और राय से सबसे ज़्यादा जो पीड़ित जगह है उनका भी बात रखा है उन्होंने, और कहा है कि जनता दल यू के हर एक कार्यकर्ता ऐसी जन समस्याओं को लेकर आप सीधा संवाद कर सकते।